तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है इस हाइलाइटर से, होममेड हाइलाइटर से। और आप एक साइड देख सकते हैं और आप इधर देख सकते हैं, है ना कमाल का। तो आप भी इस हाइलाइटर को बना सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमेशा की तरह मेरी वीडियो को इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप घर पे हाइलाइटर कैसे बना सकते हो, और वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से, जो कि आप सभी के पास वो दोनों इंग्रेडिएंट्स घर पर होंगे। यार सच बताओ ना, तो ये हाइलाइटर ना मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी हाइलाइटर अभी तक नहीं लिया है। हाइलाइटर में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जब भी मुझे मेकअप करना होता है मैं हमेशा इसी रेमेडी को फॉलो करके घर पे हाइलाइटर बनाती हूँ। चलो देखते हैं कि इस हाइलाइटर को मैं कैसे बनाती हूँ, वो भी सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट से। इसके लिए हमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो चाहिए वो हमारा ये है, आई शेडो पैलेट। आई शेडो पैलेट हर किसी के पास होगा, जो मेकअप लवर हैं उनके पास कोई ना कोई पुराना छोटा मोटा कोई ना कोई आई शेडो पैलेट होता ही है, और उसमें आपको कोई शिमरी शेड मिलता ही मिलता है। तो आप उस शिमरी शेड को इस हाइलाइटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि आप ना ही कहीं ना ही आप ज़्यादा डार्क की तरफ जाएंगे और ना ही ज़्यादा लाइट की तरफ जाएंगे, थोड़ा मीडियम कवरेज के साथ आप इस हाइलाइटर को बनाएंगे। तो चलिए ये वाला, ना ज़्यादा लाइट है और ना ज़्यादा डार्क है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, गोल्डन शेड में है, लाइट गोल्डन में, तो मैं इसे ही ले लेती हूँ। ये कंटेनर मेरे बेटे को उसमें टॉयज में मिला था, तो बस मैं इसी में ही बना लेती हूँ। और अपना जो आई शेडो है उसे मैं इससे स्क्रैच कर लूँगी। आप चाहे तो दो या तीन शेड को भी मिला के बना सकते हैं, जो लाइट शेड होगी, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है। तो उन्हीं दोनों में से तीनों आई शेडो को, कलर को मिला के आप अपना हाइलाइटर बना सकते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया है और अब हम इसमें दूसरा जो प्रोडक्ट है वो डालेंगे। तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये एलोवेरा जेल। और आपको मैं बता दूं कि आपको मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल लेना है, क्योंकि आप फ्रेश एलोवेरा जेल इसलिए नहीं ले सकते कि वो थोड़ा सा स्टिकी हो, थोड़ा नहीं बहुत ही स्टिकी होता है और वो इसमें काम नहीं आएगा। इसलिए इसमें मैं सिर्फ एक ड्रॉप ही डालूंगी। से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब भी मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो जाता है तो मैं हमेशा इसे बनाकर स्टोर कर लेती हूँ। आप ज़्यादा भी बना के स्टोर कर सकते हैं। आप देखेंगे हाथ में, ओ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। आपका एक सवाल ये ज़रूर होगा कि आप डायरेक्ट आई शेडो को ही हाइलाइटर की तरह यूज़ क्यों नहीं कर सकते, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँ। आपने ये वाला स्केच देख लिया कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, और अब डायरेक्ट हम आई शेडो को अप्लाई करते हैं। जो कलर मैंने लिया था वही मैं इसमें अप्लाई करती हूँ। ये वाला हो गया, अब यहाँ पर कौन सा ज़्यादा शाइन कर रहा है आप खुद देख सकते हैं। और अब मैं इसे फेस पर भी लगाती हूँ, आप देख सकते हैं एक साइड कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है और एक साइड, तो आप फर्क देख सकते हैं। और आप सिर्फ दो प्रोडक्ट से इस होममेड हाइलाइटर को बना सकते हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको ना ही ज़्यादा डार्क की तरफ जाना है ना ज़्यादा लाइट की तरफ जाना है, मीडियम कवरेज के साथ आपको
इस हाइलाइटर को बनाना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।